हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके सामने दोबारा से उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ रोज की तरह आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निश्चित रूप से बहुत अच्छी दिशा में अच्छे तरीके से चल रही होगी। और कैसे हैं आप लोग? सारे लोगों को बहुत स्पेशल गुड मॉर्निंग शेखर सर की ओर से। मैं बहुत अच्छा हूँ सौरभ जी, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। ध्यान रखें अपनी पढ़ाई का। शुरू करते हैं। देखो आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसे अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त हुआ था। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसे अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त हुआ था, तथा इसी में दूसरा प्रश्न भी है, सर्वप्रथम किसने अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया था, बताएं जरा। एक्सप्रेस टिलपेंथर और जेम्स प्रिंसेप, क्या बात है, वेरी गुड। 1750 और जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, नोट्स आपके पास पहुंच गया होगा, क्यों भाई कल नहीं पहुंच पाया था, आज पहुंच गया होगा सुबह सुबह, बताएं जरा, पहुंच गया ना? नोट्स आपके पास पहुंच गया होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो एक बार आप उसको पढ़ लिया करें, बिल्कुल हूबहू वही चीज है, बहुत मामूली सा थोड़ा सा दो चार पॉइंट हो सकता है अंतर हो, हूबहू वही चीज है जो हम लोग क्लास में रोज पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। अभी मौर्योत्तर का पहुंचा हुआ है, एक दो दिन में ही कल या परसों में गुप्त और गुप्तोत्तर का भी मैं भिजवा दूंगा, आपके पास नोट्स इकट्ठा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बाद में किन दो राजाओं ने अपने लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख पर लिखवाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न वैसे महत्वपूर्ण है, बताए बाद में, क्या बात है नीतीश जी, समुद्रगुप्त और जहांगीर, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही, मैंग जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई रोहित जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, माफ करिएगा इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न, किन दो अभिलेखों से अकाल की जानकारी मिलती है, किन दो अभिलेखों से अकाल की जानकारी मिलती है, बताए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोनी जी, जहांगीर के साथ साथ समुद्रगुप्त भी, आरती जी यही बात, हाँ बताएं। महास्थान प्रत्युष जी, महास्थान और सहगौरा, महास्थान और सिगरा नहीं भाई जितेंद्र जी, सिगरा तो बनारस में है, महास्थान और सहगौरा, वेरी गुड, सारे लोग के सही हैं। एक दो कमेंट मैंने देखे हुए थे, कुछ लोगों ने कहा हुआ था कि फिर तो पहला अभिलेख भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया, क्योंकि अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा हुआ था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया हुआ था और आपके नोट्स में भी शायद होगा ये शब्द का प्रयोग, संभवतः यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल का अभिलेख होगा, संभवतः, अभी पक्के से नहीं है, पक्के से क्लियर नहीं है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य ने ही लिखवाया था या उसके समय काल का, यह संभवतः शब्द का प्रयोग है, बिल्कुल एग्जैक्ट अभी क्लियरेंस नहीं है। क्लियरेंस अशोक के अभिलेखों से ही देखने को मिलता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, खुदवाए थे, इस बात की प्रामाणिक जानकारी है। चंद्रगुप्त ने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, इस बात की प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त के समय अकाल जरूर पड़ा था, अकाल की जानकारी मिलती है, तो एक अनुमान लगाया जाता है, यही है बात। मुकेश जी मॉर्निंग सर, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रवीण जी आगे बढ़ते हैं, किस शासक ने अशोक के दो अभिलेख टोपरा और मेरठ को दिल्ली लाया था। कल मैंने बताया नहीं था लेकिन कुछ लोगों को शायद पता होगा, मुझे बता दे, मैं उत्तर भी बता देता हूं। फिरोज शाह तुगलक, अभिलाष जी वेरी गुड, वेरी गुड। मैं उस्मा जी बिल्कुल सही, फिरोज, मैं बता देता हूं कि किस शासक ने अशोक के दो अभिलेख टोपरा और मेरठ को दिल्ली लाया था। तो मैंने आपको कल यह जरूर बताया था कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7, 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक था टोपरा, एक है मेरठ, एक है रुम्मिनदेई, एक है इलाहाबाद, ऐसे ऐसे हैं। तो जो टोपरा है सहारनपुर के आसपास, टोपरा और मेरठ जो स्तंभ लेख हैं, उनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था, फिरोज शाह कोटला में लाया था, और इसी कारण से टोपरा और मेरठ को दिल्ली डैश टोपरा और दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ लेख भी कहा जाता है, दिल्ली लाया था, दिल्ली में स्थापित है, इस वजह से दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ एक ही साथ
नाम का प्रयोग हुआ है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक लाया था। पांचवा, किस अभिलेख में अशोक ने मगधाधिराज और त्रिरत्न में आस्था का उल्लेख किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। बब्रू क्या बात है सिद्धार्थ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न, द्विभाषी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? अशोक का एक द्विभाषा का प्रयोग करते हुए अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? वेरी गुड, सारे लोग सही चल रहे हैं। कांधार, नम्रता जी बिल्कुल सही बच्चे, कांधार, सविता जी, संतोष जी, सारे ही लोग सही चल रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे अभी तुरंत बताएं कि क्या इस क्लास के शुरू होने के पहले आपकी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, उसमें कुछ वृद्धि नहीं हुई है, कुछ जानकारी का ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ है, कुछ बताए जरा मुझे, मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा है क्या आप लोगों को? सरे क्यों ना, काजल जी बिल्कुल सही, बताएं जरा मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा है कि नहीं है? जितन जी हुई है सर, बहुत खराब थी, अभी खराब थी या फिर पहले? चलो अच्छा लगा, मेरा होना कुछ फायदेमंद रहा आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सीधे सीधे याद करते चले जाए और देखना महीने डेढ़ महीने में ही आपका इतना अच्छा तैयार हो जाएगा ये विषय, अंदाजा नहीं होगा आपको। अगला प्रश्न, दो पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? दो पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं बताएं? दो पृथक शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? चलो शुरू करते हैं, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा व्यवधान आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे होने से आपके विषय में कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है और आपके ज्ञान में जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। और सीधे सीधे मैंने आपको जब तक आया था तब तक दो मिनट बात कर लेते जरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीएस के लिए याद होना अनिवार्य शर्त है, जीएस के लिए याद होना अनिवार्य शर्त है। और क्यों आर्यन जी क्वेश्चन अब नहीं आएगा? कोई बात नहीं, तो प्रश्न अभी डिलीट हो गया है, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, जो भी छूटा हुआ है ना सात के बाद मैं उसको दोबारा से कल देख लूंगा। तो याद होना अनिवार्य शर्त है, गणित के लिए प्रैक्टिस करना, हिंदी के लिए याद करना और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना और रीजनिंग के लिए निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। शुरू करते हैं, देखो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में श्रोत पे हम लोग बात कर रहे थे। श्रोत में हमने ये देखा हुआ था अशोक के अभिलेख में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। देखो इतिहास पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इतने अटेम्प्ट्स लिए हुए हैं, इतनी पढ़ाई किया हुआ है, इतना रिसर्च किया हुआ है प्रश्नों पे कि इस बात की जानकारी रहती है कि प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, हम लोग सीधे सीधे अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए पिछले वर्षों पे रिसर्च करते हुए आपको सीधे सीधे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, विषय की बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना होती वही काम आपको बताते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे अशोक के अभिलेख को लेकर के, अर्थशास्त्र के विषय में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो आपको बताने का प्रयास किया, और भी जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य हम पढ़ते जाएंगे कुछ न कुछ नई बातें आपको इन स्रोतों से अलग से मिलती चली जाएंगी। इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं
तीसरा मुद्दा है मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज कौन था आप सारे लोगों को थोड़ा बहुत जरूर जानकारी होगी इस बात की। मेगास्थनीज सिकंदर के बाद, सिकंदर की जब मृत्यु होती है तो सिकंदर का एक बड़ा सा साम्राज्य था और उसके सेनापति भी बहुत सारे थे, तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ सेनापतियों ने अपने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिए थे। इसी क्रम में पंजाब और सिंध के बाउंड्री वाला जो एरिया था वहां पे सेल्यूकस राजा हुआ, यूनानी राजा सेल्यूकस हुआ, और सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज भारत आया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में मेगास्थनीज भारत आया था, सेल्यूकस का राजदूत था। और ध्यान में रखे ये जो एम्बेसी होता है, एम्बेसडर होता है, उस शब्दावली की शुरुआत मेगास्थनीज के आने से ही हुई। मौर्य काल में ही राजदूतों का आना जाना एक देश से दूसरे देश में संभव हो पाया था, भारत के नजरिए से बात हो रही है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। और इसका जो आने का समय था वो है ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 4 वर्ष के लिए यह मौर्य दरबार में। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो किताब थी इंडिका, इंडिका मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, समय के साथ ये नष्ट हो गई। लेकिन मौर्य काल के बाद के जो कुछ मौर्योत्तर काल के यूनानी लेखक रहे हैं, जैसे एक नाम है प्लिनी का, एक नाम है स्ट्रेबो का, एक नाम है एरियन का, जस्टिन का, डायोडोरस का, इन लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था इंडिका, कुछ उनकी बातें याद थी, तो इन लोगों ने बाद के जो भी यूनानी लेखक रहे हैं मौर्योत्तर काल के, उन लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों में मेगास्थनीज ने जो बातें इंडिका में लिखी थी उनके उद्धरण प्रस्तुत किए थे, तो वहां से मेगास्थनीज की इंडिका की विषय की जानकारी मिलती है। अर्थात मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में जो भी बातें लिखी हुई थी उसके कुछ अंश परवर्ती अर्थात मौर्योत्तर काल के जो यूनानी लेखक रहे हैं प्लिनी, जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, स्ट्रैबो वगैरह, उनकी किताबों से कुछ साक्ष्य उसके उपलब्ध हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब मेगास्थनीज की इंडिका में किस प्रकार की भारत को लेकर के बातें बताई गई थी उस पर ध्यान रखते हैं। तो इंडिका में भारत के विषय में कुछ क्या खास बातें देखने को मिलती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो मेगास्थनीज ने यह बताया कि भारत का आकार किस आकार का था, तो यह था चतुर्भुज। किस आकार का था भारत? चतुर्भुज, एक बात। दूसरी बात, भारत में लोग सूद पर काम नहीं करते थे, सूदखोरी नहीं अर्थात ब्याज पर काम नहीं करते थे, ब्याज नहीं लेते थे, एक बात, अर्थात महाजनी प्रथा नहीं थी। तीसरी बात, राजा की अंगरक्षक महिलाएं होती थीं, राजा की अंगरक्षक महिलाएं होती थीं। अगली बात, भारत में समाज का वर्गीकरण मेगास्थनीज ने जो देखा और समझा 7 जातियों में किया था। अर्थात मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में 7 जाति निवास करती हैं। अगली बात, भारत में दासों के साथ, दास प्रथा विद्यमान थी मौर्य काल में, लेकिन दासों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता था, इस वजह से मेगास्थनीज अंतर नहीं कर पाया था और उसको लगा कि शायद भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं है, तो मेगास्थनीज ने कहा दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, गुलाम नहीं बनाए जाते थे। जबकि
उसने अपने देश में देखा था कि दासों के साथ कितना गलत व्यवहार होता है, तो उसको समझ आया कि वहां तो दास पता है क्योंकि गलत व्यवहार होता है, भारत में चूंकि अच्छा व्यवहार होता है तो वो अंतर नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कि ये लोग दास बनाए जाते हैं। अगली बात, मेगस्थनीज ने यह बताया अपनी इंडिका में कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, भारत में अकाल नहीं पड़ता है, इस बात की भी जानकारी इन्होंने दिया हुआ है, जबकि अन्य स्रोत यह स्पष्ट करते हैं, चाहे अभिलेखीय हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे उस समय के जैन ग्रंथ हो, इस बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि भारत में अकाल पड़ता है। आगे, पाटलिपुत्र के लिए चाहे मेगस्थनीज हो चाहे अन्य यूनानी हो, पाटलिपुत्र के लिए ये लोग पाटलिपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किए हैं। किस शब्द का? पोलीब्रोथा। पाटलिपुत्र को इन लोगों ने पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र की तुलना भी इन लोगों ने किया है, पाटलिपुत्र के समृद्धि की तुलना, पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी मौर्यों की, उसके समृद्धि की तुलना इन लोगों ने यूनानी राज्यों से किया हुआ है, यूनानी राज्यों से किया हुआ है जो अपने यहां के संपन्न थे, कौन कौन से? सूसा और एक वेतना से। फिर से, पाटलिपुत्र प्रथा का है, पाटलिपुत्र की तुलना यूनानी राज्यों से किया है, कौन कौन से? सूसा और एक वेतना से किया है। आगे बढ़ते हैं, मेगस्थनीज ने बताया कि भारत के लोग दो ईश्वर की पूजा करते थे। दो ईश्वर कौन कौन से वो देखते हैं जरा। दो ईश्वर की पूजा करते थे कौन कौन से वो देखते हैं जरा मेगस्थनीज ने बताया कि यहां के लोग, आठवीं बात, यहां के लोग हेराक्लीस की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? हेराक्लीस की पूजा करते थे। हेराक्लीस का मतलब है कृष्ण। और यहां के लोग डायनोसस की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? डायनोसस की पूजा करते थे। डायनोसस का अर्थ है शिव। यहां के लोग पूजा किसकी किया करते थे? हेराक्लीस की किया करते थे। हेराक्लीस का अर्थ है कृष्ण। और डायनोसस की पूजा किया करते थे, डायनोसस का अर्थ है शिव। बिल्कुल सही। चलिए, इस प्रकार की कुछ बातों का जिक्र मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में किया हुआ था, जिसकी जानकारी परवर्ती लेखकों से मिलती है। यहां पर जाकर के इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात कंप्लीट होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अब स्रोतों के अलावा कुछ अन्य बातों की भी बात करते हैं, जैसे मौर्य काल की। अब दूसरे मुद्दे पे आ गए हम लोग, पहला था स्रोत संबंधी बात, अब आ जाते हैं इस समय की राजनीतिक स्थिति पर। और चंद्रगुप्त से लेकर के अंतिम जो मौर्य राजा बृहद्रथ था, बारी बारी से सबके समय काल की राजनीतिक घटनाओं को देखना शुरू करते हैं। तो इस क्रम में पहला नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। आप सारे लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य जो कि प्रधानमंत्री भी थे इनके, अपने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद वंश के राजा धनानंद या घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त के संदर्भ में जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं जरा, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बनता है वो बनता है 321 ईसा पूर्व में, और कब तक राजा रहा? 299 ईसा पूर्व में। पहली बात, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस भी कहा गया है। परीक्षा में यही महत्वपूर्ण है। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क ने सेंड्रोकोटस कहा हुआ है। सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने, बाद में विलियम जोन्स ने यह सिद्ध किया कि ये जो सेंड्रोकोटस शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ चंद्रगुप्त मौर्य ही है। चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी भाषा में यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एक विद्वान है जस्टिन जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। डाकुओं का सेना को, चंद्रगुप्त की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा था। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब चाणक्य अपने साथ चंद्रगुप्त को ले जाते हैं तक्षशिला, तक्षशिला के अध्यापक भी थे चाणक्य, अपने साथ ले जाते हैं और वहां पे सैन्य शिक्षा देते हैं, कूटनीति राजनीतिक शिक्षा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी दौर में एक बार चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से भी हुई थी। चंद्रगुप्त चूंकि बहुत ही स्पष्टवादी थे, साफ सुथरी बातें करते थे, इस वजह से एक बार ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वहां से चंद्रगुप्त को भागना पड़ा था। सिकंदर ने आदेश दिया, इसको पकड़ो और हत्या कर दो, मार दो इसे। किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भागे भी हुए थे सिकंदर के सैन्य छावनी से। आगे बढ़ते हैं। अगली बात कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ लड़ाई झगड़े की नौबत आई थी। सेल्यूकस के साथ इनका संघर्ष हुआ था। ध्यान में रखें कि चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के साथ संघर्ष हुआ था। संघर्ष किस मुद्दे को लेकर के हुआ था? पंजाब और सिंध पर आधिपत्य को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध पर आधिपत्य अपना बनाए रखना चाहता था। सिकंदर ने चूंकि पहले ही पंजाब और सिंध का क्षेत्र जीता हुआ था, सिकंदर के बाद सेल्यूकस राजा हुआ था, सेल्यूकस ने अपने आप को स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना पंजाब और सिंध क्षेत्र का, और यही कारण था कि पंजाब और सिंध क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने को लेकर के इन दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। ये जो लड़ाई का समय रहा है वो रहा है 305-4 ईसा पूर्व के आसपास। आमतौर पे लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या बातें हुई, इस बात की जानकारी न तो भारतीय स्रोतों से मिलती है, न तो विदेशी या यूनानी स्रोतों से मिलती है। एकाद साक्ष्य मिलते हैं, जैसे एक यूनानी लेखक है एपियानस ने बताया कि लड़ाई होती है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि न तो चंद्रगुप्त को लगा न तो सेल्यूकस को लगा कि हम में से कोई जीत पाएगा, और इसी कारण से ऐसा लगा कि अब कोई जीत नहीं पाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, जिस बात की जानकारी एपियानस देता है, संघर्ष हुआ और इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में एक समझौता हो गया, इस बात की जानकारी एपियानस देते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि समझौते में दो बातें निकल करके आई।
पहला ये कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र दिया और इसके साथ साथ पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। ये दो बातें निकल करके आती हैं इतिहास के द्वारा। पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया सेल्यूकस ने, और भारत में ज्ञात यह पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह है। भारत में ज्ञात पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरधार्मिक अंतरजातीय विवाह का साक्ष्य हेलेना का चंद्रगुप्त के साथ विवाह है। एरियाना का क्षेत्र एक बड़ा सा एरिया था जिसमें कुल चार प्रांत थे। एरियाना में कुल चार प्रांत थे जिसे दहेज के रूप में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। वो कौन कौन से थे क्षेत्र एरियाना में? चार क्षेत्र थे। एक का नाम है एरिया, एक है अराकोसिया, एक है जेड्रोसिया, एक है जेड्रोसिया और एक है पेमिस दई। ये कुल चार क्षेत्र हैं। अब मैं ये उस समय के नाम हैं, वर्तमान में इन्हें किन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है? एरिया का मतलब है हेरात। अभी अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अराकोसिया का मतलब है कंधार, अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। जेड्रोसिया का मतलब है मकरान, ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। पेरिम पेमिस दई इसका मतलब है काबुल। ये कुल चार क्षेत्र दहेज में हेलेना के विवाह के बाद सेल्यूकस ने दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब वो चूंकि हेलेना विदेशी थी, अब इनका मन भारत में लगे, मौर्य दरबार में लगे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दूत बना करके भेज दिया कि कम से कम अपने देश का कुछ लोग उनको दिखाई देंगे तो मन हेलेना का लगा रहेगा। इसी वजह से दूत के रूप में उनको भी भेज दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। आपने रुद्रदामन का नाम सुना होगा जो कि एक शक राजा था। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ है ना, ये गुजरात में जगह है, या इसको कह लें सौराष्ट्र का एरिया। गुजरात में सौराष्ट्र का एरिया जूनागढ़, गिर अभयारण्य भी है वहां पे एशियाई शेरों के लिए। रुद्रदामन जो कि एक शक राजा था, मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे रुद्रदामन को। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता हुआ था। गुजरात या सौराष्ट्र का क्षेत्र चंद्रगुप्त ने जीता हुआ था, इस बात की जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कि सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता हुआ था, और यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। मतलब जो भी यहां पे राजा था हराता है और वही राजकाज कर रहा था, लेकिन अपना एक गवर्नर वहां पे इन्होंने बैठा दिया, और यहां का जो गवर्नर था वो था पुष्यगुप्त। कौन था भाई? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त ने यहां पे एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। कौन सा झील? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किस लिए? इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सुदर्शन झील का निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने। सुदर्शन झील का निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने जो कि सौराष्ट्र का गवर्नर था, और किस लिए? सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
रुद्रदामन का ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक के नाम का भी उल्लेख मिलता है। जब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ेंगे तब थोड़ा सा डिटेल में उस समय देखेंगे इस अभिलेख को, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। चंद्रगुप्त के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, इस बात की जानकारी मिलती है। अशोक के समय वहां का गवर्नर तुशास्व था, कुछ काम किया था उन्होंने भी सुदर्शन झील को लेकर के। ये मौर्य काल की घटनाएं थी और मौर्य काल के बाद चूंकि मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्योत्तर काल का ही राजा था रुद्रदामन, तो उसके अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में इन बातों की जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक के नाम का भी उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम दक्षिण भारत की बात करते हैं। जैन ग्रंथों और तमिल साहित्यों से यह पता चलता है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, वो भी कौन सा कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता हुआ था। क्षेत्र जीता था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता हुआ था। उत्तरी कर्नाटक में ही मैसूर एक जिला है, उत्तरी कर्नाटक में ही मैसूर एक जिला है, मैसूर जिले में ही एक स्थान है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, आपको पहले भी बताया है, जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ, 12 वर्ष का अकाल कहां पे पड़ा, मगध में पड़ा, और इस अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ, जैन गुरु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ कहां चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। श्रवणबेलगोला में रहते हुए ही, मैसूर में रहते हुए ही भद्रबाहु की मृत्यु हो जाती है। एक बात, भद्रबाहु की मृत्यु यहीं पे होती है। और अब चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त की मृत्यु भी यहीं पे होती है, और चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कहां पे, चंद्रगिरी पहाड़ी पर, कहां के, श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर इनकी मृत्यु होती है। और ये जो मृत्यु चंद्रगिरी पहाड़ी पर हुई, विधि कौन सी थी, तो ये विधि है जैन धर्म में, जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये विधि है संलेखना विधि, संलेखना विधि, संलेखना विधि को ही काया कलेश भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, काया कलेश भी कहते हैं, काया कलेश को ही संलेखना विधि कहते हैं। यह विधि है क्या, भूखे प्यासे रहते हुए अर्थात व्रत उपवास करते हुए अपना प्राण त्याग देना, यही संलेखना या काया कलेश विधि है। इस विधि से ही अपनी मृत्यु करा लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु चंद्रगिरी पहाड़ी पर मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हुई थी। आपको यह भी बताया था भद्रबाहु की मृत्यु हो जाती है, भद्रबाहु के शिष्य जब वापस आते हैं उत्तर भारत में तो जैन धर्म के विचारों सिद्धांतों को लेकर के भद्रबाहु के शिष्य, और इस दौरान उत्तर भारत में मगध में जो स्थूल भद्र थे उनके शिष्यों में कुछ तकरार हो जाती है और जैन धर्म दो भागों में, जैन संघ दो भागों में बढ़ गया था। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो राजा हुआ उसका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार। बिंदुसार का जो समय है 299 से लेकर के 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार के लिए कुछ साहित्यिक स्रोतों में सिंहसेन शब्द का भी प्रयोग हुआ है, याद कर लें, इसका एक नाम सिंहसेन भी था, इसे सिंहसेन भी कहा जाता था। दूसरी बात, इसके लिए पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के
महाभाष्य में अमित्र घात शब्द का प्रयोग किया गया है। अमित्र घात का मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला, और इसी अमित्र घात शब्द का यूनानी ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो इसको अमित्रोकेटस भी कहा जा सकता है। अमित्रोकेटस, इन दोनों का मतलब यही है, दुश्मनों का नाश करने वाला। पतंजलि के महाभाष्य में अमित्र घात और इसी का यूनानी ट्रांसलेशन अमित्रोकेटस, यूनानी श्रोतों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों का नाश करने वाला। तो बिंदुसार के लिए सिंहसेन शब्द का प्रयोग, अमित्र घात या अमित्रोकेटस शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके समय इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र इसका था, उसका नाम था सुसीम। सुसीम इसके समय तक्षशिला का गवर्नर था। कहां का? तक्षशिला का गवर्नर था। जबकि एक अन्य पुत्र अशोक, अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन या उज्जैनी का गवर्नर था। बिंदुसार के समय तक्षशिला एक प्रांत था, एक एरिया था मौर्य साम्राज्य का। वहां का गवर्नर सुसीम था जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, और अशोक जो कि एक अन्य पत्नी से पैदा हुआ था वो उज्जैन का गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था एक बार, और इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक को भेजा किसने? बिंदुसार ने। अशोक न सिर्फ तक्षशिला के विद्रोह को दबाया हुआ था, शांत किया हुआ था, बल्कि इसी के साथ साथ अशोक ने लगे हाथ नेपाल के कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया था। नेपाल के कुछ क्षेत्र भी जीते हुए थे इसी अभियान के दौरान। इसी दौरान अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की हुई थी, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के समय ही देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के समय सीरिया में एक यूनानी मूल का राजा था जिसका नाम था एंटियोकस। नाम से और भी राजा हुए तो इसको कहा जाता है एंटियोकस फर्स्ट। सीरिया के यूनानी राजा, ये यूनानी राजा था सीरिया का, यूनानी मूल का राजा था। इन्होंने एक दूत भेजा हुआ था जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। फिर से, सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक दूत बिंदुसार के समय काल में मौर्य दरबार में भेजा हुआ था जिसका नाम था डाइमेकस। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद करेंगे। डाइमेकस किसके समय काल में आया था? तो बिंदुसार के समय काल में आया हुआ था। डाइमेकस से बिंदुसार ने कुछ वस्तु की मांग की। वस्तु की मांग किसने की? बिंदुसार ने की। क्या क्या? एक दार्शनिक की मांग की कि हमारे यहां फिलोसोफर्स कुछ कम हैं या नहीं है, तो कुछ आप दार्शनिक हमें भेज दीजिए। एक दार्शनिक की मांग किया। मीठी शराब की मांग की। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल की मांग की। एक, दो, तीन। मीठी शराब को तो इनको भेज दिया गया, सूखे फल इनको भेज दिया गया यूनानी राजा की ओर से, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा गया, क्योंकि यूनानी कानून में यह बात थी कि दान में, उपहार में किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, और यही कारण था कि दार्शनिक को भेजने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं।
बिंदुसार की जो राज्यसभा थी, बिंदुसार की जो राज्यसभा थी उसमें 500 व्यक्ति शामिल थे। राज्यसभा में 500 व्यक्ति शामिल थे और इसका जो प्रमुख था वो था खल्लटक। खल्लटक बिंदुसार के समय ही चाणक्य की मृत्यु हुई थी। 500 व्यक्तियों का एक मंत्री परिषद था, राज्यसभा में दरबार लोग लगाते थे जिसका प्रमुख था खल्लटक। और इस राज्यसभा में ये जो 500 व्यक्तियों की राज्यसभा थी, एक आजीवक संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम था पिंगल वत्स, पिंगल वत्स वो भी शामिल था। राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान पिंगल वत्स किसके समय काल में था, बिंदुसार के समय काल में देखने को मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बिंदुसार को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक्स करते जाएं, कोई परेशानी आ रही है तो निश्चित रूप से टाइप करें और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मिलते हैं, कल से हम अशोक पढ़ना शुरू करेंगे और आपके पास नोट्स पहुंच चुका है, आप निश्चित रूप से उनको याद करने की कोशिश करिए। लेकिन आप जब भी यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपकी पेन भी चलते रहना चाहिए। मैं फिर से बताऊं, नोट्स में तो लिखा हुआ है लेकिन आप क्लास में पढ़ते रहेंगे और आपके पेन चलते रहेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, यहाँ पे लिखावट देखेंगे, आपका पेन चलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये ज्यादा सार्थक कदम होगा आपके लिए। जब यहाँ पेन चलेगा और दोबारा से जब आप एक रिविजन कर लेंगे नोट्स को देख करके, तो काम आसान हो जाएगा, दिमाग में एक बात घर कर जाएगी। मिलते हैं, धन्यवाद।